हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। एग्जाम के काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि आप सभी लोग कट ऑफ पर लगे हुए थे। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो आए कट ऑफ के लिए, काफ़ी चर्चाएं हुई, काफ़ी पेपर को सॉल्व करके भी डाला गया, बहुत सी गलतियाँ भी बाद में निकली। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है और उत्सुकता होती है लोगों पर जब वो सब जानना चाहते हैं। लेकिन IGS के कैंडिडेट होकर के यदि इस तरह की उत्सुकता आप लोग दिखाते हैं जिसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि जिसका पेपर ठीक गया होगा वो सीधे आकर के अपनी मेन की तैयारी करेगा, अपने आप को प्रिपेयर करेगा, न कि इन पचड़ों पे पड़ेगा और ऑफिशियल आंसर की के आने के बाद वो एक बार अपने आप को कंफर्म कर लेगा, इसके बाद फिर अपने काम पे लग जाएगा। तो चूंकि ये प्रिडिक्टेबल चीज़ें नहीं हैं और सामान्यतः कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन लोग दावा करते हैं कि मैंने पिछली बार बताया था जो कट ऑफ वो ही आया, वही सही हुआ, एक दो नंबर ऊपर नीचे हो गया, इस तरह की बातें हैं। इससे कुछ लेना देना नहीं है। आप लोग मैच्योर कैंडिडेट्स हैं, आप बिल्कुल मैच्योरिटी की तरह सोचिए, और जिनका यदि हो गया है कॉन्फिडेंस है जिनको, तो वो अपना प्री की तैयारी कर ही रहे होंगे, और उन्हीं में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ऑथेंटिक मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो मैं आप सबको बता दूं कि मेंस की तैयारी यूट्यूब के माध्यम से हो नहीं पाएगी पूरी तरह से। आपको कुछ मदद ज़रूर मिल सकती है, यूट्यूब में जो भी वीडियो पड़े हुए हैं तो कुछ मदद मिल सकती है, आंसर राइटिंग कैसे करें, कोई कौन सा क्वेश्चन है उसमें क्या आंसर हो सकता है, किन किन सेक्शंस को हमें लिखना चाहिए, ये तो बताया जा सकता है। लेकिन उन सेक्शंस को आप कैसे लिखेंगे अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे एग्ज़ाम में, और उस क्वेश्चन के आंसर को आप किस तरह से समझा पाएंगे एग्जामिनर को, बस यही मायने रखती हैं। तो इन्हीं चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, बाकी ला तो आप लोगों को आता ही है। और बस मैं इतनी सी बात आप लोगों से करना चाह रहा था। बहुत लोगों ने मुझसे ही पूछा, सर आपके क्या कट ऑफ है, क्या कट ऑफ है। तो कट ऑफ यदि कुछ भी आती है उसका कोई मायने नहीं है। जिसका 70 आएगा वो भी प्री देगा, जिसका 60 आएगा वो भी प्री देगा, जिसका 65 आएगा वो भी प्री देगा। तो किसका कितना आया ये मायने नहीं रखता है। वैसे भी प्री के जो मार्क्स हैं वो आपको आगे कहीं उनको एडी नहीं होना है, वो सिर्फ एक स्क्रीनिंग है, क्वालिफाइंग है, आपने कर लिया ठीक है। तो हम सब एक हैं, 70 वाला भी, 60 वाला भी, 65 वाला भी, या जो भी हैं, सब एक ही जगह बैठ के एग्ज़ाम देंगे। तो किसका कितना है वैल्यू नहीं रखता है, बस वैल्यू ये रखता है कि उसका उतना है जितने में वो मेन में अपीयर हो पाएगा, बस इतना ही वैल्यू रखता है और इतना ही पर्याप्त है। और अब इसके बाद रिवाइज आंसर की भी आ गई है, आपने देखा होगा 4 क्वेश्चंस का जो मामला था, 2 तो सबको मिल ही गए हैं और 2 उन लोगों को मिले हैं जिनके गलत थे वो सही हो गए हैं, और वो मिलना भी चाहिए था क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन था जिसको आयोग ने गलत मान लिया था, जिसमें 9 मंथ का आंसर था, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, एक सामान्य व्यक्ति भी उसको बता सकता है, कोई बहुत बड़ा पेचीदा क्वेश्चन नहीं था। अब चूंकि आयोग के आंसर की में वो गलत था तो लोगों ने उसको फिर मान के चला, लेकिन बाद में आयोग ने उसे सही कर दिया। इसी तरह से एक क्वेश्चन और था, तो उस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। बस कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि अब जो रिवाइज आंसर की आया है उसके अनुसार भी बहुत से लोग अंदर बाहर हो जाएंगे। तो ये परिस्थितियाँ हैं, बदलती रहती हैं। अब फाइनल हो गया है, अब आप देखिए क्या होता है। वैसे भी लगभग 2000 कैंडिडेट ही मेन में क्वालिफाई होंगे, अगर इसमें से बढ़ते हैं तो फिर मेरिट भी एक आध अंक ऊपर नीचे हो सकती है, उसे नीचे तो नहीं होगी, ऊपर ही होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि मैं आपको जो लैंग्वेज का पेपर है उस पर
क्वेश्चन होता है हिंदी को ट्रांसलेट करना इंग्लिश में, तो हम वो आज सीखेंगे। और इसके मैं आज बेसिक वीडियो दे रहा हूँ, जिन मित्रों को मेरे आता है वो तो ठीक है, वो तो अपना कर ही लेंगे, लेकिन जिनको नहीं कंफर्म है, चीज़ें काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, छूट चुकी हैं, और उनके एनवायरनमेंट में ये चीज़ें नहीं रही हैं, और वैसे भी जिला न्यायालयों में इंग्लिश का एनवायरनमेंट नहीं रहता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो सिर्फ भोकाल क्रिएट करने के लिए अनाप शनाप बोलते रहते हैं, जिससे ये लोगों को लगे कि हाँ साहब आपको आप ये इस भाषा को भी बोल सकते हैं, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं रहता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कुछ बेसिक चीज़ों का, तो आप मेरे साथ हैं, जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल पर हैं, और आज हम चर्चा करेंगे ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। और इसको सीखने और जानने के लिए बहुत ज़्यादा ग्रामर में आपको महारत हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपको पता होनी चाहिए बेसिकली। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आनी ही चाहिए, वो आप शुरू से ही डेवलप करते हैं और धीरे धीरे डेवलप होती है, जिसे कहते हैं वोकैब। तो सबसे पहली चीज़ तो वोकैब या वोकैबुलरी, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर आप ट्रांसलेट ही नहीं कर पाएंगे। अच्छी खासी होनी चाहिए, जिस भाषा में हमें ट्रांसलेट करना है अपनी भाषा को, तो उस भाषा की वोकैब आनी चाहिए, और इसके बाद उसकी बेसिक ग्रामर हमको आना चाहिए। तो ये तो आप लोगों को खुद ही डेवलप करना होगा, इसका कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता, और उससे आप सीख भी नहीं पाएंगे। कंपटीशन के लिए ज़रूर कुछ होते हैं, लेकिन उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हमारा तो सीधा मतलब है कि वोकैब हमारे पास होना चाहिए, और चूंकि हमें एच जे एस में हिंदी से इंग्लिश को चेंज करना है, तो आपको पता है कि जो भी पैसे जाएगा वो संभव है कि वो लीगल होगा। तो इसका मतलब है कि ये लीगल टर्मिनोलॉजी भी आपको पता होनी चाहिए, और ये अभ्यास में रहता है तो जनरली आपको पता रहता है, लेकिन एनवायरनमेंट में नहीं है इसलिए आप उसके हैबिचुअल नहीं है, आपको हैबिट नहीं है उन चीज़ों को डेली रूटीन में लाने की या उनको राइट करने की। तो इस वजह से यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, बहुत सावधानी ये बरतनी पड़ेगी कि जहाँ कुछ स्पेशल टर्म्स हैं तो वो आपको यूज करने ही पड़ेंगे। तो आज मैं बेसिक चीज़ों पर ही आपसे बात करूँगा। तो चलिए, पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए, टेंस, ये पता होना चाहिए आपको। इसके बाद दूसरी चीज़ पता होना चाहिए वॉइस, जिसे हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये पता होना चाहिए। तीसरी चीज, कुछ स्पेशल कंजक्शंस होते हैं वो पता होना चाहिए, इनके यूज ऑफ कंजक्शंस पता होना चाहिए, और एग्जैक्ट प्रीपोजिशन पता होना चाहिए। चूंकि प्रीपोजिशन ही है जो आपकी बात को स्पष्ट करते हैं,
यूं तो सब कुछ मिलाकर के स्पष्ट करता है, तभी ये सब एक ही धागे में पिरो करके हम एक माला बनाते हैं। तो ये हो, यूं तो सभी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ विशेष हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इनका आपने गलत इस्तेमाल कर दिया तो फिर सेंस चेंज हो सकता है। तो और अगर सेंस चेंज हो गया तो फिर आपको हिंदी से जो इंग्लिश में कहना है फिर वो बात ही नहीं रह जाएगी। और विशेष चीज़ ये है कि हिंदी एग्जैक्ट आपको इंग्लिश में चेंज नहीं करनी है, हमें हिंदी के सेंटेंस को समझना है क्या कह रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हमको ये ध्यान देना है कि हम जो फॉर्मेट लेकर चल रहे हैं, जो हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसको लिखने में कहीं ऐसा ना हो जाए कि सेंस में डिफरेंस आ जाए हिंदी और इंग्लिश में। तो ऐसा ना हो इसके लिए आपको प्रॉपर कंजक्शन और प्रॉपर प्रीपोजिशंस की जानकारी बेसिक रूप से होना चाहिए। और पांचवी चीज जो है वो है नारेशन, ये भी पता होना चाहिए। तो कम से कम आपको इतनी चीजें तो पता ही होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें जरूरत के हिसाब से काम आएंगी। तो अभी मैं टेंस को लेकर के कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, जिससे आपको बहुत इजी हो जाएगा चीज़ों को समझने में कि हम आखिर किस टेंस में या टेंस या वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यूज करें। क्योंकि हम यहाँ ग्रामर नहीं पढ़ाएंगे और ग्रामर पढ़ने का समय भी नहीं है, लेकिन हम टेंस को इस तरह जान लेंगे कि हमें बहुत डीप ग्रामर में नहीं जाना पड़े और हमारा हमको पता भी चल जाए, हमें बेसिक जानकारी बेसिक नॉलेज भी हमारे पास आ जाए। चलिए तो टेंस के संबंध में कुछ बेसिक जान लेते हैं। आप सबको पता है कि टेंस को हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब के रूप में जाने, तो बेहतर होगा। ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्यों होती हैं? क्योंकि यही फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है टाइम को डिनोट करती हैं, टाइम बताती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस में जिस टाइम की बात की गई है उसी टाइम को शो करने वाली वर्ब हम यूज कर देते हैं, एक बात तो ये। और ये वर्ब जो है जिसके साथ भी यूज की जाएगी उसके नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। यानी कि ये वर्ब, वर्ब का मीन्स होता है एक्शन, तो इस एक्शन को करने वाला जो भी होगा डूअर, उस डूअर के अकॉर्डिंग, इस डूअर के पर्सन और नंबर, इसके अकॉर्डिंग यदि हम इस वर्ब को यूज कर देते हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब को यूज कर देते हैं, तो वो हमारा टेंस बन जाता है और ऐसा करने से गलती नहीं होती है। तो मेन बेसिक चीज ये है कि टेंस का कुल मिला के फंडा है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब इसलिए चूंकि ये टाइम शो करती है और जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम को बताने के लिए हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज करनी पड़ती है। और ये जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज करनी पड़ती है, जो भी वर्ब यूज करते हैं, वर्ब मीन्स एक्शन होता है, तो वो एक्शन जो है जो भी कर रहा होता है उसके पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग हम इस वर्ब को यूज करते हैं। बस इतना सा टेंस है।
और अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको आगे की सारी चीजें मैं गारंटी करता हूँ समझ में आ जाए। तो अब हमें ये पता चल गया है कि टेंस एक तरह से टाइम ही होता है, और ये जो टाइम होता है इसकी 4 स्टेजेज होती है, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये 3 टाइप में होता है, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है, ये तो आपको पता ही है। और ये जो टाइम होता है इसकी 4 स्टेजेज होती हैं, यानी कि हम किसी भी एक्शन को टाइम की 4 स्टेजेज में से किसी एक स्टेज में लिखते हैं, बोलते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्या आप बताना चाहते हैं, क्या आप कहना चाहते हैं, और जो आप कह रहे हैं वो किस टाइम में वो घटना घटित हुई, ये 4 स्टेजेज में से किसी एक में होता है। एक स्टेज होती है इंडिफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि टाइम की ये 4 स्टेजेज होती हैं, और टाइम 3 टाइप का होता है। बस ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको जानना है, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये छोटी मोटी चीज़ जानने के बाद आपकी स्पीकिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी, और आप फील करेंगे कि मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस है और आप बोल और लिख सकेंगे आसानी से। तो टेंस टाइम, टाइम 3 तरह का, टाइम की जो स्टेजेज होती हैं वो 4 तरह की होती हैं। मैंने बताया कि ये 4 तरह के स्टेजेज में से ही कोई ना कोई एक्शन जिस पर आप बात करते हैं या जिस पर कोई बात करता है वो इन 4 में से कोई एक निकल करके आता है। अगर इससे बाहर है तो फिर हम लोग मॉडल वगैरह में जाते हैं, लेकिन हमें टेंस समझना है, मेन चीज़ ये है हमारे लिए। इसके अलावा जो चीज़ें हम टेंस के माध्यम से, इन फॉर्म्स ऑफ वर्ब के माध्यम से नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, बहुत से ऐसी इमोशंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं जिनको आप सीधे टेंस के माध्यम से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, फिर उनके लिए हम मॉडल्स यूज करते हैं जो एक स्पेशल सेंस रखते हैं, और स्पेशली उनको यूज भी किया जाता है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल बेसिक हम लोगों को जो चाहिए वो यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं। तो अब आपको ये पता चल गया कि टाइम 3 तरह का होता है, और प्रत्येक टाइम की 3 स्टेजेज होती हैं। तो अगर हम इंडेफिनिट बोलें और प्रेजेंट की बात करें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। इसी तरह से इसमें पास्ट जोड़ देंगे तो पास्ट की 4 स्टेजेज बन जाएंगी, और अगर फ्यूचर जोड़ देंगे तो फ्यूचर की 4 स्टेजेज बन जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पर एक विशेष बात ये जानने के लिए है कि वर्ब की फॉर्म तो हमारे पास 3 होती हैं, तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको यूज करना है, मेन चीज तो यही है ना, फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज करना है आपको, ये तो कन्फर्म है। अब आपको पता है कि जो टेंस होता है उसमें हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज करके टाइम को डिनोट करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है, इसकी फॉर्म से ही तो हमें पता चलता है ना कि हम कौन सी घटना किस समय हुई थी। और इसके जो फॉर्म्स होते हैं वो 3 ही होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म होता है,
पास्ट फॉर्म होता है और पास्ट पार्टिसिपल होता है। ये तीन फॉर्म होती हैं। तो अगर देखा जाए तो ये प्रेजेंट टाइम से प्रेजेंट फॉर्म मैच करेगी, अभी बताऊंगा। पास्ट टाइम से ये पास्ट फॉर्म मैच करेगी, लेकिन ये जो फ्यूचर टाइम है यहाँ पर, उसके लिए वर्ब की कोई भी फॉर्म नहीं बनी है। तो फ्यूचर टाइम के लिए वर्ब की कोई फॉर्म नहीं बनी है, इसलिए फ्यूचर फॉर्म के लिए हम प्रेजेंट फॉर्म ही यूज करते हैं इसके साथ, इस वर्ब के साथ शैल या बिल लगा करके। और ये जो शैल बिल होते हैं, ये मॉडल होते हैं, और यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह हम यूज करते हैं इनको। तो हेल्पिंग वर्ब की तरह हम यूज करते हैं प्रेजेंट फॉर्म के साथ में शैल बिल को, तो वो फ्यूचर टाइम को डिनोट करने लगता है। फ्यूचर टाइम के लिए स्पेसिफिक वर्ब का कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म है और पास्ट फॉर्म है हमारे पास। अब बात आती है कि तो हमें ये पता चला कि जो वर्ब होती है उसकी तीन फॉर्म होती हैं, जिनको हम प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग जनरली V1, इसको हम V2 और इसको हम V3 बोलते हैं। इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब अगर हम यहाँ समझना चाहें, तो हमने वो वर्ब लिया नो, तो नो यदि अकेले कहीं लिखी है तो वो तो प्रेजेंट फॉर्म है। कहीं भी नो लिखा है वो प्रेजेंट फॉर्म है। इसका जो V2 होगा, सेकेंड फॉर्म होगा, वो न्यू होगा, और इसका जो थर्ड फॉर्म होगा वो नोन होगा। इसमें भी कोई डाउट नहीं है। डाउट कहाँ है वो आप देखिए। ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गया, कहीं भी लिखा है, किसी भी सेंटेंस में लिखा है, तो हम समझेंगे प्रेजेंट में ही ये सेंटेंस लिखा हुआ है। जो बात कही जा रही है वो प्रेजेंट की ही कही जा रही है। अब अगर कहीं न्यू लिखा है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये बात तो पास्ट की है, और पास्ट में ही, पास्ट टाइम को ही डिनोट कर रही है, पास्ट की ही बात बता रही है। लेकिन अगर नोन लिखा है तब हम क्या समझें, क्योंकि फ्यूचर के पास, फ्यूचर टाइम के लिए कोई वर्ब का हमारे पास फॉर्म नहीं है। और इसको हम जब भी किसी बुक वगैरह में देखते हैं, तो जब टेबल मिलती है उसमें पास्ट पार्टिसिपल लिखा होता है, और हम ये जनरली जानते हैं कि इसको हम V3 कहते हैं। तो ये V3 अभी नहीं है, जैसे ये नोन लिखा हुआ है, ये नोन अभी V3 नहीं है, अभी ये पास्ट पार्टिसिपल है, जिसको हम ये कहते हैं कि ये कभी भी अगर अकेले आती है तो एडजेक्टिव का काम करेगी। यहाँ समझने की बात है, नो अकेले कहीं लिखी है तो प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टाइम की बात करेगी, बताएगी हमको। न्यू कहीं लिखा है तो हमें पास्ट फॉर्म, पास्ट टाइम का पता चलेगा। लेकिन अगर कहीं नोन अकेले लिखा हुआ है तो इससे हमें किसी टाइम का पता नहीं चलेगा, ये किसी नाउन को मॉडिफाई करेगी। जैसे हम अगर ये कहें ही इज अ वेल नोन पर्सन,
अगर हम ये कहें कि ही इज अ वेल नोन पर्सन, तो यहाँ नोन अकेले आया हुआ है, तो ये नोन है यहाँ पर, ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। किसको मॉडिफाई कर रहा है? पर्सन को मॉडिफाई कर रहा है। हाउ इज द पर्सन? द पर्सन इज अ वेल नोन फेमस। तो हमें ये पता चला कि जो पर्सन है कैसा है, यहाँ पर नोन से हाउ का पता चलता है। अगर हम हाउ का किसी भी वर्ड के साथ में, किसी भी नाउन के साथ में हाउ का हम क्वेश्चन करते हैं, तो आंसर में हमको एडजेक्टिव ही मिलता है। ये आपको याद रखना है, सीखने की बात बता रहा हूँ। तो ये नोन यहाँ पर एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है। लेकिन अगर इस नोन को हम हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करते हैं, और कौन सी हेल्पिंग वर्ब वो भी मैं अभी बताने जा रहा हूं। हमने अभी पढ़ा था कि टाइम की हमारे पास फोर स्टेजेस है, एक तो इंडिफिनिट है, दूसरा कंटिन्यूअस है, तीसरा हमारे पास परफेक्ट है, और तीसरा चौथा हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है तो ये वर्ब का जो टाइम का जो तीसरा स्टेज है परफेक्ट, परफेक्ट मींस पूर्ण कंप्लीट। अगर हम किसी ऐसी बात, ऐसी घटना, ऐसे एक्शन, ऐसे काम की बात कर रहे हैं जो जिस समय हम बात कर रहे हैं उस एक्शन की वो कंप्लीट है या कंप्लीट हो चुका है, तब हम यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज हेल्पिंग वर्ब के साथ करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का यूज हेल्पिंग वर्ब के साथ करते हैं तो ये पास्ट पार्टिसिपल फिर भीतरी का काम करने लगता है, यानी कि वो वर्ब बन जाता है। कैसे? ही हैज नोन हिम। अगर मैंने ये लिखा तो ये जो नोन वर्ड है अब यहाँ पर पार्टिसिपल नहीं है, ये किस एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये वर्ब का काम कर रहा है। और ये इसको वर्ब हैच, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आई, हेल्पिंग वर्ब आने की वजह से एक तो ये वर्ब हो गया वर्ब का, अब ये वर्ब की तरफा मानी जाएगी या हो जाएगी। अब यहाँ आप सोचो कि ये जितने भी पार्टिसिपल हैं, जितने भी वर्ब के थ्री फॉर्म हैं, ये केवल परफेक्ट टेंस में ही यूज होंगे। परफेक्ट टेंस का मतलब है परफेक्ट टाइम के साथ ही यूज होंगे, और इनको परफेक्ट टाइम को बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, और हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी तो आप देखिए कि परफेक्ट में भी थ्री लगानी है तो हेल्पिंग वर्ब भी थ्री ही आएगी। कैसे आएगी? देखिए, परफेक्ट का जो कंसेप्ट है कंप्लीट करने का, तो अगर वो प्रेजेंट में रहेगा तो उसके लिए हैच या हैव यूज करते हैं, और इनके साथ हम फिर भीतरी या पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं, तब वहाँ वो पास्ट पार्टिसिपल ना रह करके भीतरी ही कहलाता है। यानी कि हैच है यदि हेल्पिंग वर्ब बनेंगे तो इसके साथ जो भी मेन वर्ब आएगी, जो भी मेन एक्शन आएगा, वो अपने थर्ड फॉर्म में आएगा।
और इसी तरह यदि हम परफेक्ट में पास्ट में चले जाएंगे, तो अगर हम पास्ट में जाते हैं तो यही हैज है, हैड बन जाएगा और ये V3 रहेगी। तो यानी कि V3 परफेक्शन बताने वाले हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी, जो खुद अपने थर्ड रूप में होती है। अब अगर हम फ्यूचर में चले जाएंगे तो हमें बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? हमें सेल या बिल में से कोई लेना पड़ेगा, ये फ्यूचर शो करेगा। लेकिन हमने कहा प्रेजेंट को ही फ्यूचर बनाते हैं सेल और बिल यूज करके, तो इसका मतलब है हमें कंप्लीट वाला पोर्शन दिखाना है। तो कंप्लीट वाला पोर्शन दिखाने के लिए या तो इसमें इसमें हैव जोड़ेंगे, तो बिल हैव या सेल हैव यूज करेंगे। और अगर सेल या बिल के साथ हैव हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, तो हमें इसका मतलब है इसके साथ वर्ब की तीसरा फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो कंप्लीशन शो करने के लिए वर्ब का जो तीसरा स्टेज परफेक्ट होता है उसको यूज करते हैं। और उसको यूज करने के लिए सिंपल सी बात है, अगर प्रेजेंट में कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है या जिस समय आप बात कर रहे हैं उस समय वो एक्शन कंप्लीट है, तो आप हैज हैव यूज कर लीजिए। V3 का रोल मैंने आपको क्लियर किया कि वो इसके साथ हमेशा कंप्लीशन बताने के लिए ही आएगी और अदर स्टेज में ये टेंस के अंदर नहीं आएगी। दूसरा, अगर पास्ट में वही एक्शन चला जाएगा तो हैज हैव की जगह हमको हैड लिखना होगा, एक्शन पास्ट का हो जाएगा। अगर उसको हम इमेजिन करना होगा, गैस करना होगा, तब हम फ्यूचर में चले जाएंगे और हम सेल बिल के साथ हैव का यूज करके वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो पास्ट पार्टिसिपल है एक्चुअली वर्ब का जो थर्ड फॉर्म जिसे कहते हैं, ये कभी भी अकेले यूज नहीं होता। इसको यूज करने के लिए हमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है और वो हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट होती है, यानी कि परफेक्ट टाइम को शो करने के लिए होती है। अगर वो प्रेजेंट में है तो इसके साथ हम हैज हैव यूज करेंगे, पास्ट में है तो हैड यूज करेंगे, और अगर फ्यूचर में है तो सेल हैव या बिल हैव के साथ में V3 यानी कि इसका यूज करेंगे। और जब हम हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करेंगे तब ये वर्ब कहलाएगी, वो थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब कहलाएगी। सिंगल यूज नहीं करेंगे, अगर यूज करते हैं तो फिर वो ये तो एडजेक्टिव हो जाएगी या फिर गलत हो जाएगा। चलिए, तो हमने ये जाना कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, उसका क्या रोल है और कैसे यूज कर लेना है, क्योंकि ये पैसेज में हमें दोनों तरह से ही यूज करना पड़ेगा। एडजेक्टिव फॉर्म में भी उसको यूज करना पड़ेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में भी हमें यूज करना पड़ेगा। तो जहाँ जैसा आपको अभी क्लियर हो जाएगा कि कब हमें उसका पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है, कब हम उसे वर्ब का थर्ड फॉर्म बना करके यूज कर सकते हैं, वो सेंटेंस की ही डिमांड होगी और आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। इसमें कुछ रटने या सीखने जैसी कोई बात नहीं है। अब हम ये जान लेते हैं कि जो तीनों फॉर्म होते हैं उसको हम कैसे यूज करेंगे। तो जैसे हमने कहा था कि नो हो गया, न्यू हो गया और नोन हो गया। तो एक बात मैंने कही इसके पहले कि वर्ब के फॉर्म को पर्सन और नंबर के साथ यूज करते हैं, पर्सन और नंबर को देख करके ही वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं। ये पर्सन और नंबर किसका होता है? पर्सन कौन होता है? पर्सन वो होता है जो डूअर होता है, जिस एक्शन यानी कि जिस एक्शन के फॉर्म को, क्योंकि एक्शन इंडिफिनिट हो सकता है, एक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है, एक्शन परफेक्ट हो सकता है, एक्शन परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, तो जिस टाइप के एक्शन को शो करने के लिए
फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज की जा रही है वो वर्ब पर्सन डूअर का क्या पर्सन है क्या नंबर है उसके अकॉर्डिंग आएगी। इस बात को मैं इस तरह से बताता हूँ तो आप बेहतर क्लियर करेंगे। और ये जो चीज़ होती है, ये जो प्रॉब्लम होती है, ये प्रेजेंट में होती है, इंडिफिनिट में और सभी टेंसों में होती है हेल्पिंग वर्ब को लेकर के। तो जैसे मैंने कहा नो, तो अंग्रेजी की जितनी भी प्रेजेंट फॉर्म की वर्ब होती हैं वो अपने आप में प्लूरल होती हैं, अपने आप में प्लूरल होती हैं, हमेशा बहुवचन में होती हैं। प्रेजेंट फॉर्म की टेबल में जितनी भी प्रेजेंट फॉर्म की वर्ब दी गई हैं वो अपने आप में प्लूरल होती हैं। तो ये हमेशा ऐसे पर्सन या नंबर के साथ यूज होती हैं, डूअर के साथ, जो मोर देन वन होते हैं, यानी कि बहुवचन के साथ ही ये यूज होती हैं। अब हमें ये पता है कि अगर डूअर सिंगुलर नंबर है तो उसकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी उसके साथ वो भी सिंगुलर नंबर पे आएगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग करते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ हम बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो इसलिए हम नो को नो भी लिखेंगे और नो को नोज भी लिखेंगे, गो को गो भी लिखेंगे और गोज भी लिखेंगे, राइट भी लिखेंगे और राइट्स भी लिखेंगे। इस तरह से जितनी भी वर्ब्स होंगी आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये कैसे लिखेंगे, बस वही सिंपल सी बात है। कि जो एक्शन है, जैसे ही राइट्स, सिंपल, बहुत सिंपल बता रहा हूं अभी, टेक्निकल तो हम लोग पैसेज करके ही करेंगे। ही राइट्स, ये बेसिक है ताकि दिमाग में बैठ जाए। अब चूंकि जो प्रेजेंट फॉर्म की वर्ब होती है वो तो राइट होती है, और हमने लिखा राइट्स, तो हमने इसलिए राइट्स लिखा क्योंकि इस एक्शन को जो करने वाला है ये सिंगुलर नंबर का है, यानी कि एक ही पर्सन है। सिंगुलर और प्लूरल में बस इतना जान लीजिए कि कोई एक पर्सन यदि काम कर रहा है तो वो सिंगुलर है, और उसके साथ में एस वाली वर्ब यूज करेंगे, एस या एस वाली। और अगर एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो फिर हम ओरिजिनल वर्ब, जो बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब है, उसी को हम यूज करते हैं। बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब को प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दी वर्ब भी बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ज़्यादा लोग कर दें, जैसे दे बोल दें, तो फिर हम राइट्स नहीं लिख पाएंगे, हम राइट ही लिखेंगे। फिर हम राइट्स नहीं लिख पाएंगे, फिर हम राइट ही लिखेंगे। जैसे कि हम सी बीप्स लिखेंगे, बीप नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर वी लिखेंगे तो हम यहाँ पर केवल बीप लिखेंगे, बीफ नहीं लिख पाएंगे, वो इसकी वजह से। तो ये जो एस या एस आता है वो उसके डूअर के अकॉर्डिंग आता और जाता रहता है। तो ये आपके टंग पे अपने आप आ जाएगा कि कब राइट्स बोलना है या कब राइट्स लिखना है, कब राइट लिखना है, ये अपने ऑटोमेटिक टंग में आ जाता है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन मैं सारी चीज़ें आज बेसिक जो प्रेजेंट यानी कि सॉरी टेंस के संबंध में है वो एक ही वीडियो में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमें पता चल गया कि जो भी बेस फॉर्म होती है वर्ब की या प्रेजेंट फॉर्म होती है वर्ब की, ये जो भी बेस फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म होती है ये हमेशा प्लूरल होती है, और इसीलिए ये जो वर्ब है डूअर के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं, सिंपल सी बात है। और जो भी बेस फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म होती है वो इंडिफिनिट होती है,
इसीलिए हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। अगर हमने कहा ही गोज टू स्कूल, बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ जो बच्चों को बताई जाती है, तो यहाँ पर अब हमने जो गोज लिखा ये ही की वजह से लिखा, नहीं तो हम गो भी लिख सकते थे, क्योंकि बेस फॉर्म तो गो है ना, बेस फॉर्म तो गो है हमारी, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर और हमारे पास जो डूअर है वो सिंगुलर है, इसलिए हमने गोज लिख दिया। और ये केवल इंडिफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस पे ही करते हैं, निगेटिव में फिर हम मेन वर्ब के साथ ऐसे एस नहीं लगाएंगे, इसको हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो ये बेस फॉर्म है, इसको हमने गोज लिख दिया, इसकी वजह सिंगुलर या प्लूरल डूअर होने की वजह से होता है। तो ये इंडेफिनिट है, यानी कि अगर गो कहीं भी लिखा है तो वो इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर गो की जगह बेंड कहीं लिखा है तो वो पास्ट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये हमको जानना है। यानी कहीं भी अगर हम बेस फॉर्म यूज करते हैं तो हमें ये समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कहीं भी हम सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं तो हमको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये पास्ट फॉर्म है। तो हम इंग्लिश से हिंदी में भी आ जाएंगे और हिंदी से इंग्लिश में भी चले जाएंगे, हमें दोनों पैसेज करने हैं एच जी एस के एग्जाम में, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने हैं हमको, कम से कम गलतियां हो ये कोशिश करनी है हमको, इसलिए हमें दोनों तरह से सीखना है। तो अब अगर यही एक्शन कंटिन्यू होगा तो अब देखिए इंडिफिनिट ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, इसके बाद कंटिन्यूअस के लिए, परफेक्ट के लिए और परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए जो वर्ब होती हैं उन्हें हमें फ्रेम करना पड़ता है, क्योंकि वो सीधे सीधे मेन वर्ब यूज करके हम उनको उनके टाइम को सो नहीं कर सकते। इसलिए अगर ये गो लिखा है तो इंडिफिनिट है, नो डाउट, लेकिन अगर हमें गो के साथ में इंग जोड़ना पड़ जाए, क्यों जोड़ना पड़ जाए, क्योंकि हमें कंटिन्यूटी शो करनी है जाने वाले एक्शन की, तो हम ये इंग वर्ब के रूप में तब तक नहीं जोड़ पाएंगे जब तक हम इसको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे देते। और हेल्पिंग वर्ब, अब देखिए ये जो इंग है ये तो तीनों स्टेजों में जहां जहां कंटिन्यूअस होगा जिस स्टेज में वहां पर आएगा, लेकिन उसका जो टाइम होगा वो यहाँ से बदलेगा। यानी कि अगर हम प्रेजेंट की बात करना चाहेंगे तो हमें गोइंग के पहले ईच आर एम में से कुछ ना कुछ लेना होगा तभी हम गोइंग लिख पाएंगे, अदरवाइज वर्ब के रूप में हम गोइंग नहीं लिख पाएंगे, ये ध्यान रखना है। अब गोइंग के लिए हमने प्रेजेंट में ईच आर एम कर लिया, और ये इज आर एम इसलिए क्योंकि अगर इस एक्शन का जो डूअर है वो सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, क्योंकि अब ये वर्ब ना तो सिंगुलर है और ना ही प्लूरल है, अपने आप में जो बेस फॉर्म होता है मात्र वो ही प्लूरल होता है, उसको भी हम सिंगुलर कर लेते हैं ऐसी ऐसी जोड़ करके। उसके बाद आगे जितने भी स्टेजेस में जाएगा तो वो केवल मेन वर्ब होती है, ना वो सिंगुलर होती है ना वो प्लूरल होती है, उसको सिंगुलर और प्लूरल शो करने के लिए हमें उसको हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करना पड़ता है। तो हेल्पिंग वर्ब जब यूज कर देते हैं तो एक तो नंबर और पर्सन क्लियर हो जाता है और दूसरा उसका टाइम भी क्लियर हो जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब दो तरह से हेल्प करती है मेन वर्ब को, तो हम तीन में से कुछ एक लगाएंगे तभी हम गोइंग बोल पाएंगे वर्ब के रूपाम में। अगर हम इसको पास्ट में ले जाना चाहेंगे तो यहां तो कुछ नहीं बदलेगा क्योंकि ये तो वर्ब है, इसका कोई टेंस नहीं कोई टाइम नहीं, केवल जब बेस फॉर्म में तभी टाइम और टेंस है इसका, बस उसके बाद ये गोइंग तो गोइंग है और ये मेन वर्ब के रूप में है। अब इसको हमें पास्ट में ले जाना है तो हमें इच का वाच, वर का वर करना पड़ेगा, तो यानी कि वाच या वर में से कोई एक हमको पास्ट बनाने के लिए लेना पड़ेगा।
और इसको फ्यूचर में ले जाना है तो भी गोइंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें प्रेजेंट फॉर्म को सेल बिल के साथ में यूज करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट फॉर्म तो ये हो गई, और प्रेजेंट फॉर्म होती है HRM, इसको हम एक HRM जो होता है इसको हम बोलते हैं बी वर्ब, इसको बोलते हैं बी वर्ब, होने बी माने होना, इसलिए इन तीनों से होने का पता चलता है, तो हम इसको बोलते हैं बी वर्ब बोलते हैं। तो बेस फॉर्म हो गया ये, यानी कि अगर हम इस बी का तीनों देखें, ऐसे देखें टेंस में, बी यदि प्रेजेंट टेंस है तो बी का पास्ट वाज हो जाएगा, और इसका जो परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल वाला पार्ट बनेगा वो बीन बनेगा। तो ये बी वाच बीन, ये तीन फॉर्म हो गए, ये प्रेजेंट फॉर्म हो गया, ये पास्ट फॉर्म हो गया, और ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया। तो ये बी, और इस बी का मतलब होता है एच आर एम। अब हमें इस एच आर एम को पास्ट में लाना था, इसलिए हमने यहाँ पर सेकेंड फॉर्म वाज या वर्ब कर दिया। गोइंग में कोई टेंशन नहीं, वो तो वर्ब तो वर्ब है, हमें इसके टाइम और टेंस को बताना है, तो गोइंग तो जो कर तो जाएगा, गोइंग के साथ जब वाज वर आ जाएगा तो इसका टाइम और टेंस चेंज हो जाएगा। एज आर एम रहेगा तो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, वाज और वर रहेगा तो गोइंग का टाइम पास्ट हो जाएगा। अब ये तो हुआ, और ये पास्ट पार्टिसिपल है तो ये तो वर्ब है नहीं जब तक इसको हम, इसको मैं क्लियर कर चुका हूँ। चलो तो अब क्या हुआ कि हमें इसको फ्यूचर ले जाना है, तो हम सेल इज बिल इज नहीं जोड़ते हैं, हमें पता है कि प्रेजेंट फॉर्म इज आर एम को कॉमन बी कहते हैं, तो ओरिजिनल वर्ब तो बी ही है, बी की जगह पर ही हम इज आर एम यूज करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर सेल बी या फिर बिल बी के साथ गोइंग लिख देंगे, तो ये गोइंग का टाइम फ्यूचर हो जाएगा। इस तरह से हम जान लेते हैं, यानी कि सिर्फ टेंस और टाइम पर ही कंसंट्रेट करना है, बाकी आपने तो बहुत पढ़ा होगा कर्ता धन क्रिया धन कर्म, राम जाता है सीता आती है, या और भी काफी चलन में सेंटेंसेस हैं जिनका, जिनको पढ़ के आज तक हम सीख ही नहीं पाए कि वास्तव में इंग्लिश कैसी होती है, अगर सीख गए होते तो बोल भी रहे होते लिख भी रहे होते, इतनी दिक्कत ही नहीं होती। तो वो सारी चीज़ों को जिस तरह से आपने पढ़ा है वो सब चीज़ें अब अगर आप हटा दें और उसको समझें कि अब इस तरह से हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ें तो आपको जल्दी कवर हो जाएगा। तो ये पता चल गया आपको कि हम किसी भी वर्ब को प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में ले जाने के लिए क्या करते हैं, खास तौर से कंटिन्यूअस के लिए, परफेक्ट के लिए और परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए। अब अगर हम परफेक्ट की बात कर लें, परफेक्ट टेंस की बात कर लें, तो परफेक्ट का मतलब वर्ब की V3 चाहिए हमको, तो वर्ब की V3 हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ चाहिए, तब ये V3 कहलाएगा और परफेक्ट बन पाएगा। तो अगर हम प्रेजेंट टाइम ले लें तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव यूज करनी पड़ती है, तभी हम V3 यूज कर पाते हैं। अगर इसी को हमें पास्ट में ले जाना हो तो हम हैज और हैव का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो हैड होता है, वो कर देंगे, प्लस V3 रहेगी। जिस तरह से मैं बता दूं कि बी बेस फॉर्म है और इसके तीनों फॉर्म बी वाज बीन होता है, इसी प्रकार से हैज बेस फॉर्म है और इसका सेकेंड हैड और थर्ड भी हैड होता है, और एक बेस फॉर्म डू है जिसका सेकेंड फॉर्म डिड और पार्टिसिपल फॉर्म डन होता है, और ये तीनों की तीनों बी वर्ब हैज वर्ब वो हैव वर्ब सॉरी हैव वर्ब बोलेंगे इसको, हैज इसका सिंगुलर होता है।
तो है वर्ब और डू वर्ब, ये तीनों का तीनों वर्ब जो होती हैं वो एज ए मेन वर्ब भी यूज होती हैं और हेल्पिंग वर्ब भी, एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज होती हैं। ये आपको याद रखना, भी आपने देखा कि हमने बी वर्ब को भी यूज किया, इज आर एम वाज वर्ब, हैव वर्ब को भी यूज किया अभी, चूँकि जो हैव वर्ब होता है, हैव का सेकेंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म हैड होता है। तो हम अगर पास्ट टेंस में जाएंगे तो पास्ट टेंस का हमें वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा, भी थ्री ज्यों का त्यों रहेगा जैसे गोइंग के साथ हुआ। प्रेजेंट में भी थ्री ज्यों का त्यों रहेगा, हमें इसके साथ में प्रेजेंट परफेक्ट शो करने वाली हेल्पिंग वर्ब हमको यूज करना होगा। तो ये जो बी है वो डू वर्ब होती हैं, ये दोनों तरह से काम करती हैं। अब एक बात और रह जाती है कि अगर हमने कहा नो या नोच, दो में से कोई आपने यूज कर लिया, जैसे आपने कहा दे नो या ही नोच, दो में से कुछ भी कहा आपने, तो ये तो सिंपल सी बात है कि आपको पता चल गया प्रेजेंट है और वो भी इंडिफिनिट है। अब हम इनको नेगेटिव बनाएंगे तो सब में जितना इसको छोड़ करके जो आपने पढ़ा उस सब में अभी हम नाट लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ में, तो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस या जो टाइम है उसके जो पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। मेन वर्ब प्रेजेंट में, मेन वर्ब में एस या एस लगा के सिंगुलर बना लेते हैं, बाकी वो प्लुरल होता है, और पास्ट में वो सेकेंड फॉर्म जो कहते हैं यूज होता है तो वो पास्ट फॉर्म होता है। तो जब कभी भी हम इनको निगेटिव लिखना चाहेंगे तब निगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर दे नो कहीं लिखा है तो आपको दे और प्रेजेंट फॉर्म, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो प्रेजेंट का डू होगा, ये फॉर्म होगा। तो अगर अब चूंकि डू बेस फॉर्म है और इसको हमें पता है कि ये मेन वर्ब भी यूज होती है और हेल्पिंग वर्ब भी यूज होती है, और यहाँ पर हमें ये भी पता है कि इस हमारे पास मेन वर्ब है, हम इसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करने वाले हैं या यूज कर रहे हैं, तो ये डू अपने आप में प्लुरल होती है, ये आपको पता है। तो बस आपको ये देख लेना है कि आपके साथ जो है सब्जेक्ट वो प्लुरल है क्या। अगर प्लुरल है तो सीधे सीधे डू नॉट लिख दीजिए और फिर नो लिख दीजिए। अगर इस डू को आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में उसके साथ यूज करना चाहते हैं जिसके साथ एस लगा हुआ है, उस मेन वर्ब के साथ यूज करना चाहते हैं जिसके साथ एस लगा हुआ है, या यूं देख लीजिए कि आपके पास जिसके साथ आप डू यूज करना चाह रहे हैं वो सब्जेक्ट कैसा है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी कि एक बंदा है तो आप ही लिखेंगे, तो ये जो डू है वो डू न रह के डज नॉट हो जाएगा। यानी कि हमें एस तो लगाना ही लगाना है, हमने कहा ना कि हमें एस लगाना है मेन वर्ब में, एस लगाना है अगर वो पॉजिटिव है। अब अगर उसका नेगेटिव बना देंगे तो वो जो मेन वर्ब है हमारी उससे एस फिर नहीं रहेगा उसमें, वो एस या एस फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ आ जाएगा, यानी कि हम फिर डज नॉट लिखेंगे और डज नॉट के बाद में हम नोज कभी नहीं लिखेंगे, फिर नो ही लिखेंगे, क्योंकि वो एस या एस हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज कर दिया है। इसी तरह से अगर हम इसका पास्ट लिखे होते ऐसे लिख देते दे न्यू, अगर दे न्यू लिखे होते और इसको हमें नेगेटिव लिखना होता तो आपको पता है कि ये पास्ट टेंस में लिखा हुआ है न्यू, और अब आपको नेगेटिव लिखना है, नेगेटिव लिखने के लिए हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब चाहिए चाहिए, और ये भी पता है कि हम प्रेजेंट में डू यूज करते हैं तो पास्ट में हम इसी डू का इंडिफिनिट है ना, इसलिए डू यूज करते हैं, तो हम पास्ट का डू के लिए डिड यूज कर देंगे। जहाँ कहीं भी आप डू लगाते हैं अगर पास्ट की बात आती है तो उसकी जगह आपको डिड कर देना है, तो आप डिड नॉट कर देंगे। तो अब इसके लिए ना तो पर्सन नंबर देखना है ना कुछ देखना है, चूंकि इसके पास केवल
चूंकि पास्ट टेंस में वो वर्ब का नंबर और पर्सन नहीं, वो तो आपको वहाँ देखना ही नहीं है, तो आपको सीधे लिख देना है दे डिड नॉट नो। अब नो ही लिखना है। अब याद रखिएगा कि न्यू नहीं लिख पाएंगे आप, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, लेकिन ये आप यहाँ नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि आपने वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहाँ हेल्पिंग वर्ब में यूज कर लिया है। तो हेल्पिंग वर्ब को जब हमने वर्ब के सेकेंड फॉर्म में लिख दिया है, तो दो सेकेंड फॉर्म एक साथ आप नहीं लिख सकते। इसलिए डिड नॉट के बाद में नो ही लिखेंगे, और ये सब आदत में आ जाता है। आप को इसमें से बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन सिर्फ मैं एक रिवाइज करने के लिए, कराने के लिए बहुत बेसिक चीज़ें, ताकि हमें वहाँ पर कोई ऐसे स्थिति का सामना नहीं करना पड़े जब हम सोच रहे हैं कि इसका क्या करें, उसका क्या करें, टाइम जाया होगा। इसलिए एक बार अगर आपको मैं रिकॉल करा दूंगा, बहुत बेसिक चीज़ें हैं आपको बता दूंगा, तो इसमें से काफ़ी हद तक आपकी समस्या हल हो जाएगी। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था बेसिक वीडियो में आज के, कि हम जो टाइम और टेंस हैं उनको कैसे डिनोट करते हैं, कौन सी वर्ब की फॉर्म को कैसे यूज करते हैं, और कैसे हम एक दूसरे में उसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, कब हमें उसी वर्ब का कौन सा फॉर्म और कहाँ पर यूज करना है, ये बताने की मैं कोशिश कर रहा था आपको आज। पैसेज हो नहीं पाएगा क्योंकि फिर वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी मुझे बेसिक वीडियो दो अभी और देने होंगे इसको लेकर के, तब कहीं जा कर के फिर हम लोग पैसेज को टेक्निकली कर पाएंगे, तो हम लोग करेंगे। क्योंकि इतने के अलावा भी कुछ चीज़ें और चाहिए होंगी, तो वो हम लोग पैसेज करते समय कर लेंगे, लेकिन कम से कम पैसेज करने के लिए इतना तो चाहिए चाहिए जितना मैंने आज इस वीडियो में डिस्कस किया, और जो चीज़ें रह गई हैं वो आगे की वीडियो में डिस्कस करूँगा। और मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल न लेकर के बहुत सीधे सीधे बातें करने की कोशिश की है, कि आप इस तरह से उसको समझ लें कि ये लिखा है और ये करना है, ये लिखा है और ये करना है। तो अगर आपको ये तरीका ठीक लगता है कि इससे आप कुछ सीख पाएंगे, पैसेज आपका इम्प्रूव हो सकता है, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो कल फिर मैं एक आध टेंस को लेने के बाद एक्टिव पैसिव की चर्चा कर लूँगा, और इसके बाद कुछ कंजक्शन प्रीपोजिशन बहुत ज़रूरी जो हमको यूज करने ही करने पड़ते हैं कनेक्टिविटी के लिए, लेकिन बस हमको इस तरह से यूज करना है कि एग्जैक्ट क्या कंजक्शन वहाँ हो सकता है। स्थितियाँ कई बार ये बनती हैं कि दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हमारे दिमाग में दो कंजक्शन आ जाते हैं, तो अब हमें यह तय करना है कि अप्रोप्रिएट कंजक्शन कौन हो सकता है, विच वन कैन बी अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंसेस विच यू हैव टू कनेक्टेड टूगेदर, ये हमें आपको बताना है। तो ये रहा आज का मेरा वीडियो, कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। लेट दे रहा हूँ, लेकिन आगे से लेट नहीं करूँगा। और आप में से जिन लोगों का भी प्री क्वालिफाई होता है तो कमेंट जरूर करिएगा, तो हम लोग फिर कोशिश करेंगे आपस में जुड़ करके तैयारी करने की, क्योंकि मैं तो लगा ही हूँ तैयारी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।